हेलो दोस्तों, अभी इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जिसकी रिलीज लेके दर्शक बस इंतज़ार करके बैठी हुई है कि कब ये मूवी आ जाएगा। और हर रोज़ हर हफ्ते में कुछ ना कुछ ट्रिपल आर मूवी लेके लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। उसी तरह आज भी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया और कल की एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जो रेड कलर का बटन है वो दबा के सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी फिल्मी इंडस्ट्री की जो भी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट गॉसिप्स सामने आते मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ट्रिपल आर मूवी लेके जो लेटेस्ट पहला अपडेट सामने आया था वो था इसी राजामौली ने एक प्रोमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे अभी ये मूवी के लिए, जो एक बेसिकली फ्रेंडशिप के ऊपर बेस करके ही बनाया जा रहा है। ये गाना 1 अगस्त में रिलीज होगा। हाँ दोस्तों, इससे पहले भी ऐसे राजामौली ने कई बार बताया कि ये मूवी पहले तो देशभक्त के ऊपर बनाया जा रहा है और उसके बाद रामचरण और जूनियर एनटीआर के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग है वो भी मूवी के अंदर अच्छा से दिखाई देगा। एंड दोस्तों, गाने के अंदर बस मूवी का ये कास्टिंग ही नहीं दिखाई देगा, उसके साथ प्रभास, रवि तेजा और राणा दग्गुबाती। ये गाना बहुत ही स्पेशल है और गाने के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं और गाना भी फ्रेंडशिप के ऊपर ही है, तो इसलिए 1 अगस्त फ्रेंडशिप के दिन ही ये गाना रिलीज़ होगा। एंड सेकेंड अपडेट दोस्तों, कुछ दिन पहले ट्रिपल आर मूवी का एक मेकिंग वीडियो यूट्यूब में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे एक अच्छा खासा तो रिस्पॉन्स मिला ही था। और वीडियो के अंदर कितना सारे चैलेंज फेस करना पड़ा है मूवी बनाने के पीछे, वो सारी चीज़ें ऐसे राजामौली ने दिखाया। तो दोस्तों, इस बार ट्रिपल आर मूवी का मुहूर्त से शुरू करके एंड तक, मूवी के अंदर बिहाइंड द सीन से शुरू करके मेकिंग वीडियो तक सब कुछ लेके एक नया वीडियो बनाया जाएगा जो OTT में रिलीज होगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह दिखाई देगा OTT प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी लगन मूवी का ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री BTS रिलीज किया गया था, अभी भी वो वीडियो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। ऐसे ही छोटा छोटा सीन तो यूट्यूब में अवेलेबल रिलीज होने के बाद ही हो जाते हैं। कबीर सिंह, बाहुबली के अलावा भी काफ़ी सारे मूवी का ऐसी मूवी रिलीज होने के बाद अवेलेबल हो जाते हैं। फैमिली मैन Season 2 का भी कुछ दिन पहले आया था। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाई देगा OTT प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे मूवी मेकिंग से शुरू करके किस तरह से कोरोना पैंडेमिक के अंदर ही मूवी का शूटिंग किया गया है, कैसे मूवी का शूटिंग खत्म किया, उसके बाद कैसा दर्शक से रिस्पॉन्स मिल रहे, ये सब कुछ वो वीडियो के अंदर दिखाई देगा। ये डॉक्यूमेंट्री अभी प्लानिंग प्रोसेस में है। यहाँ जो मेकिंग का क्लिप यूट्यूब में अवेलेबल हुआ तो वहाँ पे भी दिखाया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने शायद देखा होगा राजमौली सैन ने कैसे डायरेक्शन दे रहा है, ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। अब थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेट्स सी।